हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यहाँ पे बात करेंगे और ये जो टॉपिक हमने लिया है काउंटिंग फिगर्स का, इस टॉपिक की बात करें तो चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का दो, चाहे NTPC का दो, चाहे SSC CGL दो, चाहे CHSL दो, चाहे MTS दो, चाहे गाइस पुलिस का एग्जाम दो, चाहे पटवारी का एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम देख लो, हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से डेफिनेटली आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे ये क्वेश्चंस यहाँ पे जो कराए जाएंगे इनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ कराया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ऐसी इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स यहाँ पे रखी गई है जिससे क्वेश्चन को आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और देखते ही चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे बोला है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। तो गाइस ये तो बहुत आसान है, देखने में दिख ही रहा है साफ, एक यहाँ पे आंसर होगा एक। लेकिन देखो कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो इस तरह का आ जाए तो इस तरह का भी आप आसानी से कर सकते हो, एक दो और एक ये बड़ा वाला तीन, तो आप ऐसे कर लोगे, गिन लोगे तीन। लेकिन अगर इस तरह का कुछ आ जाए, यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ आ जाए तो क्या करोगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो गिन सकते हैं लेकिन गिनने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, काफी टाइम लगेगा और कहीं ना कोई त्रिभुज छूट जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है और वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइस, इस तरह से देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा, अगर इस तरह का चाहे अंदर कितनी भी लाइन खींची हो, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ सेंटर में एक लाइन जा रही है यहाँ पे, है ना। अब ये जो इस आकृति में सेंटर में एक लाइन जा रही है तो इसके कारण इस आकृति के दो हिस्से हो गए, कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इन दो हिस्सों को जोड़ दिया तो मेरा आंसर आ गया तीन। इसी प्रकार चाहे कितने भी देखो क्वेश्चन सारे आएंगे आगे इस तरह से, जैसे इस तरह से कितनी भी लाइन हो, बस मैंने देखा कितने हिस्से हो रहे हैं, एक दो तीन चार, तो बस एक दो तीन और चार, बस हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10। इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया कितने त्रिभुज है, मैंने क्या देखा कितने हिस्से हो रहे हैं, एक और दो, यहाँ से मैंने देखा ये लाइन बीच में आ गई तो इसके कारण दो हिस्से आ गए, दो हिस्से हो गए इस चित्र के, तो बस इनको मैं जोड़ दूंगी और आंसर आ जाएगा तीन। क्या आ जाएगा, तीन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तीन त्रिभुज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो मैंने क्या बताई ट्रिक आपको, क्या बताई कि बीच में से कितनी लाइन जा रही है, जितनी भी लाइन जा रही है तो उसके कारण आप देखिए इस चित्र के कितने हिस्से हो चुके हैं, तो कितने पार्ट हो गए, एक दो तीन, तीन हिस्से हो गए, तो बस हम इसे जोड़ देंगे 1 + 2 + 3, बस मैंने जोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा 6। कितने त्रिभुज है, 6 आपको याद रखना है इस तरह से। चलो अब इसमें बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, क्या ट्रिक मैंने बताई, जितने भी हिस्से हो रहे हैं उनको जोड़ना है आपस में। तो सबसे पहले तो देखते हैं इस चित्र के कितने हिस्से हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच हिस्से हो रहे हैं ना, बस अब हम इनको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, बस मैंने जोड़ दिया। अब मैंने जोड़ा तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 15, 15 त्रिभुज है। अब गाइस आप खुद सोचिए 15 त्रिभुज अगर आप गिनने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे और एग्जाम में क्या होता है ना, टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए यहाँ पे इन क्वेश्चन को ट्रिक से करो तो बहुत ही सही होगा, आराम से बहुत कम समय में आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं टाइप टू का, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यह आकृति दी हुई है और इसमें बताने गाइस कितने त्रिभुज है, तो कुछ भी नहीं है, देखो आपने क्या देखा यहाँ पे, देखा ये छोटे वाले हिस्से की हम बात करें तो ये हो गया एक त्रिभुज, तो और एक ये बड़ा वाला हो गया, है ना, तो बस दो त्रिभुज है। अब ये तो आसान था इसलिए आपने कर दिया, लेकिन अगर कुछ फिगर कॉम्प्लिकेटेड दे दे, कुछ इस टाइप का दे दे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है। अभी पहले टाइप में क्या कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा था, ये वाला ट्रिक मैंने बताई थी ना, ये वाला आपको याद रखना है, 1 और 2 कितने हिस्से हुए, दो, तो बस मैंने इनको जोड़ा तो यहाँ पे आंसर आया 3। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए ये जो छोटा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक और दो, दो हिस्से हो रहे हैं, तो जब 1 + 2 मैं करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इस वाले में तो 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार अब ये बड़े वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो बड़े वाले में भी तो देखो दो हिस्से हो रहे हैं ना, दो हिस्से हो रहे हैं, तो एक एक प्लस दो कर दो, कितने हो गए 3। अब 3 यहां से मिल गए, 3 यहां से मिल गए, तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 आंसर आ जाएगा
छह। इस तरह से आप कर सकते हो, कितना भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड चित्र आपको दिखाई दे जाए इजीली कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अच्छा बताओ कितने त्रिभुज हैं इसमें, क्या कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया अभी अपन ने देखा ना, ये वाला यहाँ पे देखा, कितनी भी लाइन खींची हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये वाला है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, पहले ही टाइप में अपन ने समझा था इसको, यहाँ पे अगर मैं इस छोटे वाले को सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, इस छोटे वाले के लिए अभी एक बार के लिए छोटा वाला कर रहे हैं, तो इसमें क्या देखा कितने हिस्से हो रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे देखिए एक एक दो और तीन है ना, कितने हिस्से हुए, तीन। तो मैं बस इनको जोड़ दूंगी, एक दो और तीन, तो यहाँ से कितने मिल गए, छह मिल गए। अब हम यहाँ पे इस बड़े वाले को करते हैं, बड़ा वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कितने हिस्से हो रहे हैं, एक दो और तीन, इसमें भी तीन हिस्से हो रहे हैं, तो वन प्लस टू प्लस थ्री कितने हो जाएंगे, छह। और छह छह को मैं जोड़ दूंगी तो क्या आ जाएगा, बारह। बारह हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितनी भी लाइन खींचियो बीच में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप ट्रिक देख चुके हो क्या है हमारी ट्रिक, पहले छोटे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कितने हिस्से बन रहे हैं, एक, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक दो तीन और चार, चार हिस्से हो रहे हैं, तो बस हम इनको जोड़ देंगे। और जोड़ने पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे इनको मैंने जोड़ा तो मिला यहाँ से दस, दस तो यहीं पे हो गए। अब यहाँ पे देखिए इस बड़े वाले को सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें कितने हिस्से हो रहे हैं, एक दो तीन और चार, तो इसमें भी चार हुए, तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से भी मिलेगा दस। अब ये दस और दस जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा बीस, बीस त्रिभुज है। अब आप सोचो बीस त्रिभुज आप गिनोगे तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे देखो कितने आसानी से चीजें क्लियर हो रही है। अच्छा अब यहाँ पे है ये टाइप थ्री, इसमें बताओ कितने त्रिभुज है। गाइस टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या देखा, पहले तो मैं सबसे बड़े वाले को एक बार सॉल्व कर लेती हूँ फिर बाकी चीजें बताती हूँ। सबसे बड़ा वाला जो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें कितनी लाइनें खींची हुई है, एक बार के लिए आप इन लाइनों को भूल जाओ, ये भी जो बीच में खींची है ना इनको भूल जाओ, बस आप सोचो ये बीच ये लाइनें खींची हुई है। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही टाइप में सिखाया था, ये वाला कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, एक बार के लिए इनको हम सोच लेते हैं ये लाइन है ही नहीं है ना। तो इसके लिए अब बड़े वाले को हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे मैंने देखा एक दो तीन चार पाँच छः, छः हिस्से हो गए इसके। अब छः हिस्से हो गए तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः, इनको मैंने जोड़ा तो इनको जोड़ने से मेरे को मिले 21, कितना मिला 21, 21 आ गया इनको जोड़ने से। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो लाइन खींची है ना, तो इस वाले हिस्से को, अब इस वाले त्रिभुज को सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ इसके अंदर कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं, तो चलो गिनते हैं, एक दो, दो के बाद यहाँ पे देख तीन और चार, चार हैं, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार जोड़े कितने हो गए यहाँ पे, दस है ना, तो इनको ऐड कर दिया तो दस यहाँ से मिल गए। फिर यहाँ पे अब इस वाले हिस्से को कर लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसमें अपन ने क्या देखा, इसमें तो एक ही लाइन बीच में, तो एक और दो, दो ही हिस्से हुए, एक प्लस दो कितने हो गए, तीन, तीन हो गए। अब मुझे यहाँ पे बताओ तीन तो यहाँ से मिल गए, दस यहाँ से मिल गए और इक्कीस यहाँ से मिल गए, तो इक्कीस प्लस दस प्लस तीन कितना हो जाएगा, अब आप ऐड कर लीजिए इनको, कितना हो जाएगा यहाँ पे 34, 34 त्रिभुज है इस चित्र में है ना, 34 त्रिभुज है। बता चुकी हूँ किस तरह से किया है, फिर से देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, इनको आपस में जोड़ा तो 21 यहाँ से मिल गए। फिर यहाँ पे देखो इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 वन, तो इनको जोड़ा तो यहाँ से 10 मिल गए। और फिर इस वाले को करेंगे 1 और 2, दो यहाँ से हैं तो दो को यहाँ पे, मतलब दोनों हिस्सों को जोड़ा तो यहाँ पे 3 3 10 और 21, आंसर हो जाएगा 34। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज है। आप आसानी से कह दोगे एक त्रिभुज तो ये रहा और एक जस्ट इसके सामने ये रहा, तो यहाँ में यहाँ पे यानी कि टोटल दो ही त्रिभुज है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। लेकिन अगर चित्र कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, इस तरह का आ जाए, देखो इस तरह का भी एक पल के लिए आप कर सकते हो, गिन सकते हो, एक दो तीन चार है ना, चार के बाद इस तरह से पाँच, पाँच के बाद ये छः, छः के बाद ये सात और सात के बाद ये आठ, इस तरह से गिन सकते हो। लेकिन और भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो क्या करोगे, तो उसके लिए ट्रिक जानना जरूरी है ताकि अपने बहुत कम समय में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमें करना कुछ नहीं है, इस तरह का जब क्वेश्चन आपको दिखाई देना तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए यहाँ जो सेंटर पॉइंट है ना, इससे बताओ कितने भाग हो रहे हैं इसके, कितने हिस्से हो रहे हैं, एक दो तीन और चार, चार हिस्से हो रहे हैं ना, जितने हिस्से हो रहे हैं इसका डबल कर देंगे,
चार इससे हुए तो चार का डबल कर दिया मैंने, 4 × 2 कर दिया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। 8 उत्तर सही है इसका, ठीक है, 8 त्रिभुज है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, तो क्या मैंने समझाया कि सेंटर बिंदु से कितने इससे हो रहे हैं, ये देखिए कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 इससे हो रहे हैं, तो बस मैं जितने भी इससे हो रहे हैं उसका डबल कर दूंगी, 6 × 2 मैंने किया तो आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह इसमें बताओ कितने त्रिभुज होंगे, तो क्या बस सिखाया मैंने, सेंटर पॉइंट से देखिए कितने इससे हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 इससे हो रहे हैं ना, 8 पार्ट हो गए, इनको जस्ट डबल कर देना है जितने भी इससे हुए हैं उनको, तो आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताओ इस टाइप में कितने त्रिभुज होंगे ये बताना है, और बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, करना क्या है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सबसे बड़ा ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक तो ये लिख दिया, अब इसके अलावा यहाँ पे इस बड़े त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज रख दिया है ना, एक छोटा त्रिभुज रख दिया, तो जब ये एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज आएगा तो वो एक छोटा त्रिभुज रखने से वो अपने साथ नए चार त्रिभुज लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप, एक ये बन गया है ना, 2, 3 और ये 4, बोलो यहाँ पे क्या देखा आपने गाइस, बड़ा वाला त्रिभुज तो एक हो गया, और इस बड़े वाले के अंदर जब ये छोटा वाला त्रिभुज रख दिया तो ये अपने साथ नए चार त्रिभुज बना रहा है, तो मैंने चार और यहाँ लिख दिया तो आंसर आ जाएगा 5, इसमें कितने त्रिभुज है, 5। लेकिन गाइस इसके अंदर अगर एक और यहाँ पे अगर छोटा रखा हो, अंदर एक और रख दिया जाए तो कोई टेंशन नहीं है, जितने भी त्रिभुज रखे जाएंगे ना अंदर, कितने भी रख दो, बस आपको ये याद रखना है कि बड़े त्रिभुज के अंदर जब एक नया त्रिभुज आता है तो वो अपने साथ प्रत्येक नया त्रिभुज अपने साथ चार लाएगा, तो जब चार नए त्रिभुज बनाएगा तो ये जो अंदर रखा है ना एक और, तो ये भी चार बनाएगा, तो इसके साथ चार और जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इस केस में 9। तो यहाँ पे तो हमने देखा एक ही त्रिभुज रखा हुआ है, इसलिए एक तो बड़ा वाला और एक ही त्रिभुज रखा हुआ, तो ये अपने साथ नई आकृति कितनी बनाएगा, चार नए त्रिभुज बनाएगा, वो गिना चुकी हूं मैं कौन कौन से, 1, 2, 3 और ये 4। इसी प्रकार यहां बताओ कितने त्रिभुज होंगे, तो क्या सिखाया था मैंने अभी अभी, एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1। अब इसके अंदर कितने नए त्रिभुज, मतलब छोटे वाले जो त्रिभुज रखे हैं ना इस बड़े वाले त्रिभुज में कितने रखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखा एक तो ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है, यानी 2 रखे हुए हैं। अब मैंने क्या बताया था, एक मतलब छोटे त्रिभुज अगर बड़े त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज रखा है तो एक ही अपने साथ कितने नए त्रिभुज बनाएगा, 4 नए त्रिभुज बनाएगा, तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे 2 त्रिभुज रखे हुए हैं अंदर, तो एक ही 4 बनाएगा तो दूसरा भी 4 बनाएगा, और अगर एक और होता तो फिर से वापस 4 ऐड कर देते, तो यहाँ पे मैंने देखा भाई 2 त्रिभुज रखे हुए हैं अंदर, तो 2 रखे हुए हैं तो अपने साथ ये नए 4-4 आकृति बना लेंगे, तो आंसर हो जाएगा इनको ऐड करके 9 आंसर हो जाएगा। कैसे आप देख सकते हो, बड़ा वाला तो एक है, अब अंदर मैंने इसको रखा तो इसको रखने से ये 1, 2, 3 और 1 ये बड़ा वाला 4, इसी तरह से ये छोटा वाला जब मैंने रखा तो 1, 2, 3 और 1 ये 4, तो इस तरह से 4 आकृति बना ली, ठीक है। अब यहाँ बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो गाइस इसके लिए क्या करना है, जो अभी टाइप 5 अपन ने सीखा ना उसी से रिलेट करता हुआ ये टाइप है। क्या हमने देखा यहाँ पे, देखो एक चीज हम देखेंगे, टाइप 1 में अपन ने क्या सीखा था, ये वाला टाइप सीखा था ना, ये वाला, तो इसमें 1 और 2 इनको मैंने जोड़ा तो आंसर आया 3। तो इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पता है कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये वाला हिस्सा देख रहे हो, और एक ये इधर दिख गया और एक ये यहाँ पे दिख गया, तो ये वाला ही दिखाई दे रहा है ना, तो मैंने क्या देखा, 1 और 2 इससे हो गए, इनको आपस में जोड़ लिया, 1, 2 कितने हो गए, 3। इसी प्रकार यहाँ पे भी इसमें भी 2 हिस्से हैं, इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से भी 3 मिल जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 हिस्से हैं, इनको आपस में जोड़ा तो यहाँ से भी 3 मिल गया, तो गाइस ये कितने हो गए, जब यहाँ पे इनको मैंने जोड़ लिया तो 1, 3 और 3, 6, 6 और 3, 9, 9 तो ये मिल गए। अब इनके अलावा देखिए एक त्रिभुज ये है अंदर जो रखा हुआ है और एक ये बड़ा वाला है, तो 2 और हम जोड़ देंगे तो 9 में मैंने 2 और जोड़ दिए तो आंसर आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या था गाइस, पिछला जो क्वेश्चन अपन ने देखा था उससे थोड़ा सा ये अलग है। कैसे? पिछला क्वेश्चन तो ये था और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आया है उसके अंदर यहाँ पे एक और त्रिभुज रख दिया, बस इतना सा काम किया है। तो इसमें देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए टाइप वन सिखाया जो और टाइप फाइव सिखाया वो, उसको रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन बना है। कैसे बनाया है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बताओ टाइप वन में ये वाली चीज सिखाई थी आपको, वन और टू दो इससे हुए तो तीन हो गए, इनको आपस में जोड़ने पे एक प्लस दो को जोड़ने पे। तो इसी तरह से यहाँ से अपन को तीन मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये हिस्सा, इसमें एक और दो इनको जोड़ दिया, दो इससे हो रहे हैं दोनों को आपस में जोड़ दिया तो वन प्लस टू कितना हो गया थ्री। इसी तरह से अब इस वाले हिस्से में भी आप देख सकते हो इनको आपस में जोड़ा तो तीन यहाँ से मिल गए और फिर इनको आपस में जोड़ा तो यहाँ पे एक और दो, दो इससे हो रहे हैं इसको भी तीन। तो मैंने क्या देखा नौ, नौ तो अपने पास आ चुके हैं, कहाँ से आए हैं बता चुकी हूँ गाइस, तीन यहाँ से और तीन यहाँ से, तो नौ तो मैंने साइड में लिख लिया, इतना काम तो मैं कर चुकी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे बताइए टाइप फाइव में मैंने क्या सिखाया था आपको, ये देखो ये क्या है बड़ा त्रिभुज है ना, बड़ा त्रिभुज है। अब ये जो त्रिभुज है ना इसके अंदर एक और त्रिभुज रखा गया है, एक और त्रिभुज रखा गया है तो एक दो तीन और ये चार, चार नए त्रिभुज बन गए तो मैंने चार ये लिख लिया। और पांचवा आप सोचोगे ये बड़ा वाला नहीं लिखा, तो बड़ा वाला क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप क्लियर कर लीजिए गाइस, यहाँ पे देखो बड़ा वाला जो है ना इसको ऑलरेडी हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताती हूँ, देखो ये चीज तो आप ध्यान रखिए, इनको आप यहाँ पे कर लिया तीन तो यहाँ पे तेरह तो ये हो गए, अब यहाँ पे एक ये बड़ा और एक ये बड़ा तो दो और हो गए। फिर से समझिए, नौ तो आप समझ चुके हो, इसके अलावा इसको जब अंदर रखा तो चार आ चुके हैं, फिर एक ये बड़ा और एक ये बड़ा तो दो और अपन ने लिख लिए तो कितने हो गए पंद्रह, पंद्रह यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ से देखो सीधा देखते ही अपन देख रहे हैं कि तीन यहाँ से मिल जाएंगे क्योंकि इस वाले में ये वाला रूल लागू हो रहा है जो अपन ने टाइप वन में सीखा। इसी तरह से तीन यहाँ से, तीन यहाँ से, तो नौ तो यहाँ पे साफ साफ दिख गए। अब इसी तरह से देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, तो नौ और मिल गए तो मैंने नौ और लिख लिए। अब इसके अलावा बताइए और कितने बनेंगे, तो मैंने क्या देखा अब इसके अलावा देखो एक ये बन जाएगा एक और फिर दूसरा और ये तीसरा, ये तीन और बन जाएंगे तो बस इनको अपन जोड़ लेंगे। नौ और नौ कितने हो गए अठारह, अठारह फिर उन्नीस बीस इक्कीस, तो टोटल इक्कीस त्रिभुज बनेंगे इसमें। समझ चुके हो कैसे, यहाँ से अपन को तीन मिले, यहाँ से भी तीन, यहाँ से भी तीन, कैसे मिले ये वाला कॉन्सेप्ट है जो टाइप वन में सिखाया वो लागू हो रहा है क्योंकि ये आप देख सकते हो किस तरह का है। ये देखो यहाँ पे एक और दो, दो पार्ट हो रहे जोड़े तो तीन मिल गए। इसी तरह से अब यहाँ पे भी तीन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी तीन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी तीन मिल जाएंगे, तो इनको मैंने आपस में जोड़ा तो कितने हो गए ये तो अठारह हो गए। ठीक है अठारह तो ये हो चुके हैं। अब इसके बाद अठारह के बाद उन्नीस फिर ये बीस और ये बड़ा वाला इक्कीस, तो आंसर हो जाएगा इक्कीस। चलो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। तो गाइस आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ घंटी की चिन्ह को ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।